तो अब देखते हैं नंबर 8 एमसीक्यू में क्या इश्यू है। यहाँ पर एक और एमसीक्यू आ गया हमारे पास नंबर 8 में, और सारी ऑप्शन क्लियर कट हैं हमारे सामने, और देखते हैं हम बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, फिर उसे पढ़ते हैं साथ में मिलके। चार्ली बेस्ट ऑप्शन डिक्लेयर की है, ज़रा क्यों ठीक है पढ़ लेते हैं। एंड अमॉर्फस, अमॉर्फस मीन्स शेपलेस, एंड अमॉर्फस मीन्स शेपलेस, एंड अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स, और हम बात करें अमॉर्फस मैस की, और साथ में एन भी लगा हुआ है। एन आपको पता है इंडेफिनेट आर्टिकल लगता ही सिंगुलर एंटिटीज के साथ है जो काउंट नाउन होती हैं। स्टार्स एकेडमी इकबाल चाउन प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज फॉर एनएमडी कैट 2022 व्हिच इंक्लूड्स द क्विक नोट्स, जर्नलाइज्ड टेबल्स एंड शॉर्टकट नोट्स। अलोंग विद दैट यू विल बी प्रोवाइडेड 20,000 टॉपिक वाइज एमसीक्यूज विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन बैंक। So go grab your copy today। जिनको आप 1, 2, 3, 4 कोई ना कोई डिजिट के साथ ऐड कर सकते हैं। तो एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स, सेल्स को मत देखिए कि सेल्स प्लूरल हैं, बहुत ज़्यादा हैं, हम तो बात करें अमॉर्फस मैस की, तो हम सिंगुलर इसको कंसिडर करें, इसलिए एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, इसलिए इज लगा इनके साथ। अल्फा में अगर देखते हैं एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, आर नहीं इज आएगा। बीटा में एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स वर डिफ़िकल्ट, वर की जरूरत नहीं थी, अगर जगह टेंस चेंज करना चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी प्लूरल है वर। और चलते हैं डेल्टा में, एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स हैज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, नहीं इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हैज़ तो पोजेशन को शो करता है, इसलिए हमने यहाँ पर जस्ट लिंकिंग वर्ब रिक्वायर है हमें। तो आगे बढ़ते हैं, सारी ऑप्शन को डिस्कस कर चुकने के बाद एक और एमसीक्यू है यहाँ पे, बेस्ट ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अल्फा है। अल्फा को पढ़ते हैं कि ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है। अल्फा दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज, दिस सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है, सिंगुलर के लिए आता है, ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, चार तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। नियरर ऑब्जेक्ट के लिए दिस आता है, फारर ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो डैट आता है, प्लूरल हो तो नियरर ऑब्जेक्ट के लिए जो दीज आता है, और फारर के लिए दोज आता है। तो दिस एंटीबायोटिक, एक तो ये हमें कंफर्मेशन मिल गई कि बायोटिक एंटीबायोटिक सिंगुलर है, इसलिए दिस उसके साथ आया। दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय, इसलिए सिंगुलर नाउन होने की वजह से वर्ब भी एस फॉर्म वाला आ गया, डिस्ट्रॉयज। दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज रेड कॉर्पसल्स इन द ब्लड एंड कॉजेज, इसलिए कॉजेज है क्योंकि एंटीबायोटिक, दिस एंटीबायोटिक सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ जो है डिस्ट्रॉयज भी होगा और कॉजेज भी होगा। कॉज के साथ भी ऐसे लगेगा और डिस्ट्रॉय के साथ भी ऐसे लगेगा, बींग द सिंगुलर सब्जेक्ट कॉजेज पर्निशियस एनेमिया। अब हमारे पास ये एक बेस्ट ऑप्शन है, बीटा में अगर देखते हैं दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय नहीं डिस्ट्रॉयज होना था, ओके। आगे चलते हैं चार्ली में, दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज रेड कॉर्पसल्स इन द ब्लड एंड कॉज, कॉज नहीं कॉजेज पर्निशियस एनीमिया। डेल्टा दीज एंटीबायोटिक्स, दीज नहीं होगा और एंटीबायोटिक्स भी नहीं है, एंटीबायोटिक है, दीज एंटीबायोटिक्स नहीं डिस्ट्रॉय रेड कॉर्पसल्स इन द ब्लड, मान लें थोड़ी देर के लिए कि दीज एंटीबायोटिक्स हैं, डिस्ट्रॉय उनके साथ बिल्कुल ठीक मैच है, रेड कॉर्पसल्स इन द ब्लड एंड कॉजेज, यहाँ पर जाके एरर हुआ, फिर कॉज होना था, फिर कॉजेज नहीं होना था क्योंकि दीज एंटीबायोटिक्स हैं, प्लूरल हो गया नाम। तो यहाँ ये सारी इश्यूज बने, इसलिए हमने अल्फा को बेस्ट ऑप्शन के तौर पर डिक्लेयर कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ एमसीक्यू देखते हैं नंबर 10, बेस्ट ऑप्शन डेल्टा है, और डेल्टा को मेरे साथ में मिलकर पढ़ते हैं। क्यों डेल्टा बेस्ट है? डज एनीबॉडी, जब एनीबॉडी होगा वो सिंगुलर को शो करेगा, ठीक है, एनीबॉडी है, नोबॉडी है, समबॉडी है, ये सब सिंगुलर जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो एनीबॉडी सिंगुलर, इसलिए उसके साथ डज आएगा, डू नहीं आएगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। डज एनीबॉडी नो व्हाई द लैटिट्यूड्स क्लोज, लैटिट्यूड्स प्लूरल है, लैटिट्यूड्स क्लोज टू द, और ये डायरेक्ट जो है व्हाई द लैटिट्यूड्स क्लोज टू द इक्वेटर आर कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड्स क्लोज टू द इक्वेटर है, तो लैटिट्यूड्स कितने हैं जी यहाँ पे, ये प्लूरल नाउन है, लैटिट्यूड्स प्लूरल नाउन है, इसलिए आर कॉल्ड इसके साथ आर लगेगा, आर कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। अब चलते हैं अल्फा में एरर देखने, डज एनीबॉडी नोज, यहाँ पे नोज नहीं आ सकता, नो आना है क्योंकि इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन है, क्योंकि एनीबॉडी से पहले डज आ चुका, इसलिए इंट्रोगेटिव फॉर्म में कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस ऐड नहीं होता। बीटा डू एनीबॉडी नो, तो एनीबॉडी के साथ डू नहीं आ सकता, डज आना है क्योंकि एनीबॉडी तो सिंगुलर एंटिटी है। चार्ली डज एनीबॉडी नो व्हाई द लैटिट्यूड्स क्लोज टू द इक्वेटर इज नहीं आर आना था यहाँ पे, क्योंकि लैटिट्यूड्स प्लूरल हैं, तो लैटिट्यूड्स के मुताबिक इज नहीं बल्कि आर आना था। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन द नाउन एंड द वर्ब इट टेक्स, ओके।
नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं, नंबर 11 है, इसमें बेस्ट ऑप्शन डेल्टा है। डेल्टा को बेस्ट ऑप्शन डिक्लेयर करते हैं, इसको पढ़ते भी हैं। ईच प्लांट, फैक्ट्री और एग्रीकल्चरल कम्यून्स, जब ईच आ गया तो इसका मतलब है कि अब ये हर एक नाउन को, जो आने वाला नाउन है उसको सेपरेट बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही रिक्वायर करेगा। ईच प्लांट मतलब ईच फैक्ट्री मतलब ईच एग्रीकल्चरल कम्यून, इस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन ईच अगेन एंड अगेन नहीं प्लेस किया जाएगा, फर्स्ट टाइम जो ईच आया है वही सबके लिए जो है सफिशेंट है। ईच प्लांट, ईच फैक्ट्री और ईच एग्रीकल्चर कम्यून हैज़ अ हेल्थ सेंटर एंड अ फर्स्ट एड स्टेशन एंड ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज एंटायरली हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज एंटायरली फ्री फॉर एवरी चाइनीज। ये बेस्ट ऑप्शन है डेल्टा। अब अल्फा में एरर देखते हैं। ईच प्लांट, फैक्ट्री और एग्रीकल्चर कम्यून हैव अ हेल्थ सेंटर, हैव अ हेल्थ सेंटर नहीं, हैज़ अ हेल्थ सेंटर, क्योंकि हमने ईच की वजह से इसे सिंगुलर कंसिडर किया, तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये ज़्यादा नाउन है, एग्रीकल्चर कम्यून भी है, फैक्ट्री भी है, प्लांट भी, लेकिन इसकी बेस में, इसकी बिगनिंग में है तो सिंगुलर पॉइंट ना ईच, तो इसके साथ हैव नहीं, हैज़ आना था। नेक्स्ट चलते हैं बीटा में। ईच प्लांट, फैक्ट्री और एग्रीकल्चर कम्यून हैज़ अ हेल्थ सेंटर एंड अ फर्स्ट एड स्टेशन एंड ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आर, आर नहीं आना, ट्रीटमेंट के साथ इज आता है। ट्रीटमेंट एक ऐसा नाउन है जिसके साथ आप एस नहीं लगाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, ट्रीटमेंट्स नहीं होता, ट्रीटमेंट ही होगा, इसलिए आर नहीं, इज आना था। चार्ली, ईच प्लांट, फैक्ट्री और एग्रीकल्चर कम्यून हैज़ अ हेल्थ सेंटर एंड अ फर्स्ट एड स्टेशन एंड ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स इज, ट्रीटमेंट्स होता नहीं है एक तो नाउन, दूसरा अगर फर्स्ट कर लें थोड़ी देर के लिए कि ये प्लूरल है और होता है तो इसके साथ फिर इज नहीं आएगा, प्लूरल के साथ ट्रीटमेंट्स के साथ इज नहीं बल्कि फिर आर होना चाहिए था, दोनों ही रॉन्ग हैं। इसलिए स्टूडेंट ये कंप्लीट हुआ हमारा प्रोसीजर और बेस्ट ऑप्शन हमारी डेल्टा डिक्लेयर हुई। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। यहाँ पर नंबर 12 एमसीक्यू है और बेस्ट ऑप्शन मैंने चार्ली पढ़ी है और इसको पढ़ते हैं। मैनी अ मैन, मैनी अ मैन मीन अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, मैनी अ मैन, आ मैन, मैनी अ मैन फ्रेज है, इसका मतलब क्या है, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। लेकिन इसके बाद आना वर्ब सिंगुलर है और आगे बढ़ते हैं। मैनी अ मैन, जब ए मैन है ना तो ए मैन, मैन के करीब तरीन जो वर्ड होगा वो उसके मुताबिक वर्ब आएगा, क्योंकि ए मैन है तो ए मैन सिंगुलर कंसीडर करेंगे और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर देंगे। लेकिन मैनी अ मैन पूरी एक फ्रेज है जिसका मतलब है अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन द वर्ल्ड वॉर्स, ये एक स्टेटमेंट है। चार्ली बेस्ट ऑप्शन है। अल्फा में एरर देखते हैं। मैनी अ मैन वर, मैनी अ मैन के साथ वर नहीं वॉज आना था, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आप लोगों को कहा करता हूँ कि एज इफ के बाद हम कोई भी नाउन लेंगे, कोई भी प्रोनाउन लेंगे, उसके साथ चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, उसके साथ वर आना है, वॉज नहीं आना होता, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम वही इशू है। मैनी अ मैन वर, वर का एरर है, बीटा पढ़ते हैं। मैनी अ मैन, ए के साथ मैन नहीं आता क्योंकि मैन तो प्लूरल है, उसके साथ ए कैसे एडजस्ट हो सकता है। डेल्टा, मैनी अ मैन होना था, मैनी मैन नहीं होता क्योंकि मैन सिंगुलर और मैनी प्लूरल, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, तो मैनी अ मैन होना था, यहाँ पे ए मिसिंग है इसलिए ये फ्रेज डिसॉल्व हो गई, आप कह लेंगे क्लैप्स कर गई, इसलिए ये भी एरर है। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 13 है और स्टेटमेंट आपके सामने है। बेस्ट ऑप्शन मैंने डेल्टा को डिक्लेयर कर दिया है, इसको पढ़ते हैं कि ये बेस्ट क्यों है। आई एंड माई ब्रदर आर रेडी टू प्ले, आई एंड माई ब्रदर, दोनों डिफरेंट एंटिटीज है, माई ब्रदर डिफरेंट एंटिटी है और आई डिफरेंट एंटिटी, इसलिए एंड लगा लेकिन प्लूरल वर्ब आया। आई एंड माई ब्रदर आर रेडी टू प्ले बट यू और योर ब्रदर, अब योर ब्रदर जो है और के आ जाने से हम इंपॉर्टेंस देंगे सेकेंड वाले नाउन को, योर ब्रदर सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा, बट यू और योर ब्रदर हैज़ टू ज्वाइन अस टू। अब अल्फा में एरर देखते हैं। आई एंड माई ब्रदर इज रेडी, इज नहीं, एंड आई और माई ब्रदर दोनों डिफरेंट एंटिटीज एंड से ज्वाइन किया गया तो ये प्लूरल बन गए, इसलिए इज नहीं, आर आना था बीटा में। आई एंड माई ब्रदर आर रेडी टू प्ले बट यू और योर ब्रदर हैव टू ज्वाइन, हैव टू ज्वाइन नहीं, हैज टू ज्वाइन होगा क्योंकि योर ब्रदर सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हैज टू आना है, हैव टू नहीं आना। चार्ली, आई एंड माई ब्रदर
एम रेडी, एम नहीं आएगा क्योंकि माई ब्रदर के साथ एम नहीं लग सकता, इसलिए ये अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है। एग्रीमेंट होना चाहिए, रूल्स के दरमियान कंपैटिबिलिटी होती है, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 4 है और बेस्ट ऑप्शन इसकी मैंने अल्फ़ा डिक्लेयर कर दी है, और ज़रा देखें इसमें क्या इशू है कि ये क्या इसमें परफेक्शन है, बाकी में क्या इशू है। द नंबर ऑफ रोड, द नंबर जब आएगा तो ये सिंगुलर होगा। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, आपने वर्ड एक्सीडेंट्स को जो कि प्लूरल है इसे नहीं इंपॉर्टेंस देनी बल्कि द नंबर को इंपॉर्टेंस देनी है। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, क्योंकि द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है इसलिए इसके साथ अब हैज़ आएगा। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड रिसेंटली, वेयर आ नंबर ऑफ, अब आ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, वेयर आ नंबर ऑफ पीपल, पीपल तो हमेशा प्लूरल ही होता है, वेयर आ नंबर ऑफ पीपल हैव आ गया, लॉस्ट आ गया, और चूंकि पीपल ज़्यादा हैं इसलिए उनके साथ पोसेसिव एडजेक्टिव देयर आएगा और लाइफ की जगह लाइव्स आएगा। बिल्कुल ठीक है, परफेक्शन इज देयर इन अल्फा और कोई इशू नहीं आया। बीटा में देखते हैं, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैव, तो हैव नहीं, यहाँ पे हैज आना था। चार्ली, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज़, ठीक है, इंक्रीज रिसेंटली, वेयर अ नंबर ऑफ पीपल हैज़, नंबर ऑफ पीपल के साथ हैज़ नहीं, हैव आना था। डेल्टा, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड रिसेंटली, वेयर अ नंबर ऑफ पीपल हैव लॉस्ट हिज लाइव्स, अब हिज का इशू है, पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं आना था यहाँ पे हिज बल्कि दियर आना था। माई डियर स्टूडेंट, दिस वे वी कम्प्लीटेड दिस एम सी क्यू एज वेल, एंड नाउ वी हैव टू शिफ्ट दिस टूवर्ड्स अनदर वन। नंबर 15, यहाँ पे देखते हैं बेस्ट ऑप्शन जो है अल्फा मैंने डिक्लेयर कर दी है। अल्फा बेस्ट क्यों है, ज़रा इसको मेरे साथ में पढ़ें। नीदर गवर्नमेंट नॉर द पीपल, आपको मालूम है नीदर और नॉर का यूज़ हुआ, और सेकंड वाले नाउन या प्रोनाउन को इंपॉर्टेंस देनी है, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब सप्लाई करना है, और गवर्नमेंट सिंगुलर है और द पीपल प्लूरल है, तो अब प्लूरल ही वर्ब आएगा। नॉर द पीपल हैव बिल्कुल ठीक है, हैव डन एनीथिंग टू एमिलोरेट द एबरेशंस इन दियर ट्रैफिक सिस्टम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सेंटेंस इज परफेक्टली ओके। नाउ शिफ्ट अवर अटेंशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा, नीदर गवर्नमेंट नॉर द पीपल हैज़, यहाँ पे एरर अकरेंस हुई हैज़ नहीं आना था, हैव आना था। चार्ली, नीदर गवर्नमेंट नॉर द पीपल हैव डन एनीथिंग टू एमिलोरेट द एबरेशन इन हिज ट्रैफिक सिस्टम, इन हिज नहीं, इन दियर ट्रैफिक सिस्टम, पीपल के लिए हिज नहीं दियर आता है। फिर चलते हैं डेल्टा, नीदर गवर्नमेंट नॉट द पीपल हैव डन एनीथिंग टू एमिलोरेट द एबरेशन इन इट्स ट्रैफिक सिस्टम, इट्स नहीं, दियर आना था, ठीक है, दियर आना था, पीपल के लिए दियर आएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये सारे एरर वाली स्टेटमेंट्स हैं बीटा, चार्ली एंड डेल्टा, हम अल्फा को बेस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। आगे नाउ नंबर 16 में देखते हैं बेस्ट एमसीक्यू जो है, इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन से इस एमसीक्यू में, और देखें चार्ली बेस्ट ऑप्शन है, मैं इसको पढ़ता हूँ कि ये क्यों बेस्ट ऑप्शन है और बाकियों में एरर कहाँ पर अक्रंस हुई है। चार्ली, सम ऑफ दियर डोर्स वर ओपन, सम के साथ दियर है, प्लूरल है, डोर्स भी प्लूरल है, वर भी है, बिल्कुल ओके। टू सू, सो द बॉय न्यू, द बॉय के साथ न्यू है, बिल्कुल ठीक है, ही एंड द वुमेन दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, ही भी अलग एंटिटी और वुमेन भी, इसलिए वर आ गया। नॉट अलोन इन द हाउस, नो प्रॉब्लम, अल्फा में एरर देखते हैं, सम ऑफ दियर डोर्स वॉज की जगह वर होना था। बीटा, सम ऑफ दियर डोर्स वर ओपन टू, ठीक है, द बॉय न्यू, ही एंड द वुमेन वॉज, प्लूरल होना था, वॉज नहीं, वर आना था। डेल्टा में, सम ऑफ दियर डोर्स वर ओपन टू, बिल्कुल ठीक है, सो द बॉय न्यू, ही और द वुमेन, ही एंड द वुमेन था, यहाँ पे और नहीं आना, ऑप्शन नहीं है बल्कि यहाँ पे अटैचमेंट है, इसलिए एंड आना था। ही एंड द वुमेन वर नॉट अलोन इन द हाउस, माई डियर स्टूडेंट, इन दिस वे चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। एक और एमसीक्यू में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन चेंज हो गई है, और इंस्ट्रक्शन क्या है कि हमें सिनोनिम्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। आपकी वोकैबलरी का एक दफ़ा फिर इम्तहान शुरू हो गया, और आपने अपनी वोकैब को अब बहुत ज़्यादा अच्छा करना है। पहले लिमिटेड वोकैब होती थी, लेकिन पीएमसी ने आपकी वोकैब के पोर्शन को जो है वो एक्सटेंसिव मोड में ले गई है, अब आपको बहुत अच्छी अपनी वोकैब करना होगी। ज़रा देखते हैं ड्यूबियसली का जो है वो हमें सिनोनिम रिक्वायर है। ड्यूबियसली उसके साथ अल्फा ऑप्शन है गल्प, फिर गैस, फिर अनसर्टेनली, और फिर ग्रिप है। ऑप्शन सारी सिंपल हैं,
लेकिन dubiously का मतलब डाउट से dubiously है, ठीक है, डाउट से dubiously, ठीक है। इससे ज़रा लिंक करें मॉर्फोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप इसको फिक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश, डाउट से dubiously, ठीक है, dubiously। तो गल्प आपको पता है गल्पिंग साउंड होता है, जब आप कोई चीज़ पीते हैं जैसे लस्सी पीते हैं या कोई पानी बहुत मग भर के पीते हैं तो ऐसे आवाज़ आती है यहाँ से, ठीक है, गड़गड़ की आवाज़ आती है, रमलिंग साउंड होता है, तो उस रमलिंग साउंड को गल्पिंग साउंड बोलते हैं। ये गल्प है यानी निगलना। और गैस्प जो है बहुत ज़्यादा सांस फूल जाना, जैसे कोई लॉन्ग हाइकिंग करे और सांस बहुत ज़्यादा फूल जाए तो फिर जो है वो आप कह लें कि थोड़ा बेंड करके एक तरफ से सांस जो है वो लेना, इनहेल करना, दूसरी तरफ जो है वो डिस्चार्ज करना, तो ये गैस्पिंग है। गैस्पिंग बहुत ज़्यादा सांस फूला हुआ होना। अनसर्टेनली मतलब अनश्योरली, बेयकीनी की कैफियत। और ग्रिप, किसी चीज़ को ग्रिप करना, किसी चीज़ को होल्ड करना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना, सारे मीनिंग इसके सारे शेड आपके सामने आ गए। और यहाँ पे dubiously का जो बेस्ट सिनोनिम है वो अनसर्टेनली लग रहा है। कंप्यूटर से भी हेल्प ले लेते हैं। यस, चार्ली ही बेस्ट ऑप्शन है। एक और MCQ में चलते हैं। यहाँ पर नंबर 18 में देखें, वर्ड है ग्रंट, और इसके साथ सारी ऑप्शन आ गई ग्रंट के साथ, ठीक है। ग्रंट में आपको मालूम है कि ये भी एक ख़ास किस्म का साउंड होता है। ग्रंट इनकंसिडरेट है ऑप्शन, ठीक है। कंसिडरेट किसी का बड़ा ख्याल रखना, इनकंसिडरेट कोई ख्याल ना रखना, अपने ही ख्याल रख ले बंदा, बड़ी बात है। और बीटा ऑब्लिवियस, ठीक है, सिंपल सा वर्ड है। चार्ली इम्पेयर्ड, ठीक है। और डेल्टा है रंबल। आपको मालूम है कि ग्रंट का मतलब ही स्नॉटिंग साउंड है, यानी मतलब बंदा जो है वो स्नॉटिंग कर रहा हो और साउंड उसकी हो, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो जानते हैं चारों ऑप्शन में से वो डेल्टा ही नज़र आ रही है। रंबल भी एक किस्म की साउंड होती है, लेकिन जो इनकंसिडरेट है, ख्याल ना रखना, किसी का कोई परवाह ना करना। ऑब्लिवियस जो है वो हमारे पास वर्ड है, अनअवेयर होना। और फिर इम्पेयर्ड का मतलब यानी कम एक्टिव होना, लेस इफेक्टिव होना, या ड्रंक होना, जैसे कोई बंदा ड्रंक जो है वो हुआ हो तो वो क्या इफेक्टिव होगा। तो ये सारी ऑप्शन हमारे पास आ गई, कंप्यूटर से मदद लेते हैं, डेल्टा को ही सपोर्ट करता है। नेक्स्ट MCQ में चलते हैं, नंबर 19 में। यहाँ पर वर्ड है क्रैम्ड, और बेस्ट ऑप्शन आपके सामने इस वक्त ब्लिंक कर रही है। वर्ड सिंपल है, और ये वर्ड आप कह लें कि मैं लो फ्रिक्वेंसी का तो नहीं कहूँगा, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कहते हैं कि रट्टा लगाना, ठीक है, क्रैम करना, तो ये क्रैम है। क्रैम इसका एंटोनिम अब हमें रिक्वायर है, इंस्ट्रक्शन आपके सामने। अब सिनोनिम में नहीं जाना, एंटोनिम में जाना है। अल्फा ऑप्शन है सम, सम करना यानी सम अप करना, चीज़ों को जो है सम कर देना, सम अप कर देना, समरी बना देना, टोटल कर देना। और क्राउड सिंपल वर्ड है, क्राउड ये तो सिनोनिम बन गया क्रैम का, क्योंकि जैसे दिमाग में चीज़ों को ठोंस लेते हैं ऐसे क्राउड इकट्ठा हो जाता है बहुत सी चीज़ों का, ये तो क्रैम का सिनोनिम है क्राउडेड, लेकिन हमें एंटोनिम चाहिए। चार्ली लूज, ढीला छोड़ देना। डेल्टा लर्नड, तो अब जो है वो ये भी ऑलमोस्ट सिनोनिम में बनता है, तो बेस्ट ऑप्शन तो आपके सामने चार्ली बनती हुई नज़र आ रही है, यही ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। और लास्ट MCQ में चलते हैं, यहाँ पर वर्ड है कोक्स्ड, कोक्स्ड, और आपको मालूम है कोक्स्ड के लिए, कोक्स का मतलब ही किसी को इनकरेज करना है, बूस्ट करना है, सपोर्ट करना है, किसी को मोटिवेट करना है, तो कैजोल जो कि चार्ली ऑप्शन है वो इसका सिनोनिम बनता है। और ग्रिन आपको पता है ये एक टिपिकल किस्म की स्माइल होती है, इतना का बंदा स्माइल करे कि दांत नज़र आना शुरू हो जाए। और डेटर जो है इसका मतलब जो है प्रिवेंट करना है, रोकना है किसी को किसी चीज़ से। और इनक्लोज किसी चीज़ को जो है वो समेट लेना, कैमोफ्लाज कर लेना, और किसी चीज़ को जो बिसीज कर लेना, ये इनक्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज एरिया, इनक्लोज्ड एरिया। तो हम बात करते हैं यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन की। बेस्ट ऑप्शन डेफिनेटली जो है बीटा ही लगती है, क्योंकि किसी को सपोर्ट करने से जो रोकेगा वो डेटेड होगा। ज़रा देखते हैं, कंप्यूटर भी बीटा को ही सपोर्ट करता है। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टेस्ट एज वेल, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग टाइम। आई होप कि आप अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए ज़्यादा अच्छी प्रेपरेशन करके आएंगे और मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। और वो इंस्ट्रक्शन क्या है कि ग्रामर के पोर्शन को करने के साथ साथ आप अपनी PMC की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स को जो है ज़रूर अपनी मेमोरी के अंदर रिफ़्रेश करें, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादातर जो है वो हमें कन्फ्यूज़ करती है, हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो आमतौर पर हमारी रूटीन का हिस्सा होती है, बहुत कॉमनली यूज वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन लो फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी वोकैब का
चैलेंजिंग टास्क है वो अब मुश्किल वर्ड्स हैं, थोड़ा उनको याद करें, उनको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, लिख लिख कर याद करें. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच. टू गेट 25,000 प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट फॉर एफएससी एंड एमडीकैट प्रिपरेशन डाउनलोड स्टार्स एकेडमी ई लर्निंग ऐप. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड स्टार्ट योर एक्सीलेंट प्रिपरेशन टुडे.